हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हर्बल मेहंदी का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेहंदी है पतंजलि केश कांति हर्बल मेहंदी बरगंडी। तो ये बरगंडी मेहंदी का रिव्यू है पतंजलि का। तो मुझे ये मेहंदी काफी ज्यादा अच्छी लगी और इस मेहंदी को अप्लाई करके भी मैं आपको बताऊंगी इस मेहंदी के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या रिजल्ट हमारे बालों को ये देती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको हो सके। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि फिर आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, तो जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। एंड अब बात कर लेते हैं इस मेहंदी के बारे में। तो इस मेहंदी को किन किन चीजों से मिलकर बनाया गया है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस मेहंदी को बनाने के लिए यहाँ पे हीना का, आंवला का, मेथी दाना, शिकाकाय, नीम, भ्रंगराज, चाय पत्ती, कलौंजी, नीम की पत्तियां, इतनी सारी चीजों से मिलकर इस मेहंदी को बनाया गया है। और ये सारी चीजें जो मिलाई गई है एकदम नेचुरल है, बालों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हमारे बालों को इस मेहंदी से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये लंबे समय से हमारे बालों को मजबूत करने के लिए, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए यूज की जा रही है। तो सारी नेचुरल चीजें हैं जो इस मेहंदी की काफी अच्छी बात है। एंड मैं आपको बता दूं इस मेहंदी की प्राइस एंड क्वांटिटी। इस मेहंदी की क्वांटिटी है 20 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम मेहंदी आपको एक पैकेट में मिलती है। और पैकेट की प्राइस है 30 रुपीज, यानी 30 रुपए का ये पैकेट आपको मिलेगा जिसमें 20 ग्राम प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एंड किसी भी पतंजलि शॉप पे आपको ये हर्बल मेहंदी मिल जाएगी पतंजलि की। तो और ये मेहंदी की तीन अलग अलग ब्रांड मार्केट में है। पहला है ब्लैक, अगर आप अपने बालों को ब्लैक कलर करना चाहते हैं तो ब्लैक कलर भी इसका पतंजलि का मार्केट में है। दूसरा है डार्क ब्राउन, अगर बालों में ब्राउन कलर करना है तो वो भी मार्केट में है। और ये है बरगंडी, तो मुझे अपने बालों में बरगंडी कलर काफी पसंद है। और अभी जनरेशन जो न्यू जनरेशन है वो सब अपने बालों में बरगंडी कलर ज्यादा पसंद करती है, इसलिए ये मेहंदी का काफी ज्यादा मतलब इस मेहंदी की डिमांड काफी ज्यादा है मार्केट में। तो यही मेहंदी मैं अपने बालों में यूज करके आपको बताऊंगी। तो चलिए, इस मेहंदी के बारे में सारी जानकारी तो मैंने आपको दे दी है, अब मैं आपको बताती हूँ इस मेहंदी को अपने बालों में अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले इसको पेस्ट में आपको बता देती हूँ। इसका पेस्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसको ओपन करना है और एक चाय पत्ती, आप पहले से ही चाय पत्ती का पानी एक उबाल कर रख लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए और उसी से इसका पेस्ट बना लेना है। आप चाहे तो सिंपल पानी से भी इसका पेस्ट बना सकते हैं क्योंकि चाय पत्ती ऑलरेडी इस मेहंदी में मिली हुई है, लेकिन अगर चाय पत्ती के पानी के साथ आप इसका पेस्ट बनाते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट आपके बालों को मिलने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पेस्ट को अपने बालों में लगाना कैसे है। सो फ्रेंड, चलिए मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने हाथों में ग्लव्स पहन लिए हैं और बाल मेरे एकदम धुले हुए हैं। बालों में कोई ऑयल या कोई सीरम नहीं होना चाहिए और आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी बालों में अपनी मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ग्लव्स पहन कर ही मेहंदी को अप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ। तो ये जो मेहंदी है पतंजलि केश कांति हर्बल बरगंडी मेहंदी, इसको आप डायरेक्ट भी अपने बालों में लगा सकते हैं पानी में घोलकर, लेकिन इस मेहंदी को मैंने हीना पाउडर के साथ मिक्स करके लगाया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर हीना पाउडर के साथ आप इस मेहंदी को मिक्स करके लगाते हैं तो ये और भी अच्छा कलर हमारे बालों को देती है, बहुत अलग सा एक कलर देती है, नेचुरल शाइन हमारे बालों में आ जाती है इसे लगाने से। तो मैं इस जो बरगंडी मेहंदी है पतंजलि की, इसको मैं हीना पाउडर के साथ मिक्स कर ही अपने बालों में लगाती हूँ हमेशा, और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। एकदम बाल हमारे एकदम नेचुरल शाइन करते हैं और बालों में एकदम बहुत अच्छी चमक आ जाती है। तो आप इसको हीना पाउडर के साथ मिक्स करके लगा के जरूर ट्राई करिएगा। तो मैं यहाँ पर हीना पाउडर के साथ इस जो पतंजलि का ये बरगंडी मेहंदी है इसको मैंने मिक्स कर लिया था और रात भर इसको मैंने छोड़ दिया था गलाकर चाय पत्ती के पानी के साथ। आप चाहे तो सादा पानी के साथ भी इसको गलाकर छोड़ सकते हैं, बट मैंने चाय पत्ती के पानी के साथ इसको रात भर गलाकर छोड़ दिया था, जिससे इस मेहंदी का कलर बहुत अच्छा हो गया है, ब्राउन आप देख सकते हैं। और जैसा इसका कलर है बालों का कलर भी सेम ऐसा ही हो जाएगा ब्राउन। तो इस तरीके से मैं सेक्शन वाइज बालों में लगा लूँगी अलग अलग सेक्शन करके। और सेक्शन करके मेहंदी लगाने का बहुत अच्छा फ़ायदा है, जितने भी बाल हमारे वाइट है या फिर जड़ों में भी हमारे बहुत से बाल वाइट हो जाते हैं तो इससे अच्छे से मेहंदी अप्लाई हो जाती है एक एक बालों में। तो इस तरीके से आप सेक्शन वाइज बालों में मेहंदी लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और आपके एक एक बालों में मेहंदी अच्छे से लग जाएगी, जिससे आपके सारे बाल एक से दिखेंगे, अलग अलग नहीं दिखेंगे। वरना क्या होता है, बहुत सी बार हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे आधे बालों में मेहंदी लगती है और आधे बालों में मेहंदी लगी नहीं पाती है, जिससे हमारे कुछ बाल तो अच्छे से कलर हो जाते हैं और कुछ बाल वो अलग से दिखाई देते हैं। लेकिन ये वाला जो तरीका है मेहंदी लगाने का, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपके बालों में हर जगह मेहंदी लगेगी और आपके बाल एक से दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप मेहंदी जरूर लगाएं बालों में।
और बालों में मेहंदी लगाकर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे रखना है, इससे ज़्यादा आपको मेहंदी नहीं रखनी है। 2 से 3 घंटे तक बालों में मेहंदी रखना है, उसके बाद अपने बालों को आप सादा पानी से वॉश कर लीजिए। शैम्पू का बिल्कुल यूज नहीं करना है इसे लगाने के बाद, शैम्पू बिल्कुल भी आपको बाल धोते समय यूज नहीं करना है। कोई सा भी शैम्पू आप यूज मत करिए, ओनली सादा पानी से अपने बालों को धोइए और 3 घंटे, 2 से 3 घंटे इस मेहंदी को सिर्फ अपने बालों में रखिए। और बाल धोने के बाद आपको सूखने के बाद अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करनी है, बालों की मसाज करनी है ओवरनाइट के लिए, और फिर नेक्स्ट डे आप किसी भी शैम्पू का यूज कर सकते हैं अपने बालों को वॉश करने के लिए। अगर आप पतंजलि शैम्पू का यूज करते तो बेस्ट होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा शैम्पू है पतंजलि का भी। और तो इस तरीके से देख लीजिए, मैंने सारे अपने बालों में आगे से लेके पीछे तक अच्छे से मेहंदी लगा ली, और कितनी अच्छे से मेहंदी अप्लाई हो गई आप खुद देख लीजिए, एक एक बालों में कहीं भी छूटा नहीं है। तो इस तरीके से मेहंदी लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो देख लीजिए आप। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।